एक हिडन रोड पे जो कुलशित खाड़ी के पास में कुलशित खाड़ी के बाजू में इधर एक छोटा सा लेक है, पाइपलाइन का रोड इधर से चालू होता है। गाइस हम लोग जो बालकुंग का पाइपलाइन है उसके ऊपर खड़े हैं अभी, और हम लोग इधर बाहर माझीवाड़ा के इधर निकले और अभी हम लोग माझीवाड़ा के ट्रैफिक में फंस गए इधर। तो हेलो गाइस, अभी शायद से अभी 4 बजे और हम लोग आज निकले हैं एक हिडन रोड पे जो कुलशित खाड़ी के पास में, और हम लोग के साथ आज तनिष है ऑफिस। गाइस हम लोग इधर कुलशित तक आ गए, कुलशित से कुलशित खाड़ी के उधर जाना है, बस आगे मैं सबको बताता हूँ। गाइस इधर पूरा यही कंस्ट्रक्शन हुआ है और बहुत मस्त हुआ है, साइकिलिंग के लिए वगैरह, जॉगिंग वॉर्निंग वगैरह के लिए इधर आ सकते हैं। और बेस्ट पार्ट तो इधर मैंग्रोव्स को अनटच रखा है, उनको कुछ हार्म नहीं हुआ। तो गाइस इधर कुलशित खाड़ी है और कुलशित खाड़ी के बाजू में इधर एक छोटा सा लेक है, जब बारिश गिरता है तभी आता है और समर्स में सूख जाता है, और इसमें लोग इधर के जो बाजू के लोग हैं जो इसमें डक्स वगैरह छोड़ते हैं, तो अभी फ़िलहाल दिख रहा तो नहीं है। अभी शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट वो दिख रहा रहेगा। पानी इधर का बहुत क्रिस्टल क्लियर है एकदम, और इसमें वो छोटे छोटे फिशेस भी है बहुत सारे, आई गेस गटर गप्पी जो रहता है वो है। गाइस अभी हम लोग वो हिडन रोड पे जा रहे हैं, जब आप कुलशित खाड़ी से बाहर निकलोगे सीधा तो उधर से एक लेफ्ट आएगा, इधर वो लेफ्ट से ऊपर जाना है। ये कुलशित का बस स्टॉप है, उधर से ये लेफ्ट पे जो रास्ता है उधर सीधा जाना है। अंधेरी रात कहीं आपको ये ऐसा ये पाइपलाइन वाला जो लगेगा उधर से सीधा जाना है, और पाइपलाइन का रोड इधर से चालू होता है। ये रोड का नाम है कुलशित बालकुम पाइपलाइन रोड, और ये रोड पे यूजुअली कोई लोग रहते नहीं ज़्यादा, बहुत कम कार जाते हैं, और मोस्टली इधर वॉकिंग करने के लिए और साइकिलिंग के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, और इधर आजू बाजू में पूरा ग्रीनरी है। ये आई थिंक एक 1 to 2 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा ये रोड का, ऐसा छोटा रास्ता है और सब आसपास ग्रीनरी, बहुत ब्यूटीफुल है इधर। तो उधर वो साइड पे ही कुलशित खाड़ी है, और इधर ये रास्ता, तो उधर पूरा ग्रीनरी है, कोई इधर ज़्यादा कुछ है नहीं, इधर बिल्डिंग्स वगैरह बस बीच में से रास्ता है। अभी बारिश चालू हो रही है तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली फ़ोन अंदर रखना पड़ेगा। तो वैसे हम लोग इधर से आए, बारिश से इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट हम लोग उधर से आए और इधर से पूरा हम लोग ऐसा बाजू में ग्रीनरी पूरा, वो साइड पे कुलशित खाड़ी है, उन्होंने साइकिल इधर पार्क किया और हम लोग इधर ऊपर पाइपलाइन पे आ गए। तो गाइस हम लोग जो बालकुंग का पाइपलाइन है उसके ऊपर खड़े हैं अभी, और बारिश चालू होगा तो हम लोग इधर वीडियो निकाल नहीं पाए, साइकिल उन्होंने इधर नीचे लगाया, अभी थोड़ा रुक गया इसमें, फटाक से फोन निकाला मैंने और थोड़ा इधर से निकाल रहा हूँ वीडियोस। इधर ऐसे ही छोटा रास्ता है और पूरा बारिश था तो एकदम मज़ा आ रहा था रास्ते से।
ये रास्ते का जो स्ट्रेच है आई गेस रहेगा, ये कितना, एक 1.5 किलोमीटर तक रह सकता है ना, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक रहेगा। और ऐसा ही रास्ता पूरा बाजू में ऐसा ग्रीनरी पूरा, और हम लोग बारिश में से आ रहे थे, एकदम मस्त व्यू था एकदम। मेरा तो रास्ता इधर एंड होता है, इधर बिल्डिंग जाएगा तो आपको समझ जाएगा रास्ता इधर एंड होता है। और आप आते हो तो उधर कोलशेद खाड़ी से आओगे, और कोलशेद खाड़ी से 2 किलोमीटर का रास्ता है उधर से सीधा ऐसा ही। और आप इधर से बाहर निकलोगे तो आप उधर जाओगे भिवंडी के लिए जो रास्ता है वो। ऐसे तो इधर शायद से इधर लोगों का ये खेती है, और इधर अपना भाई हम लोग अभी इधर से आगे शायद से वो बालकुम का आ गया, और एक पाइप लाइन रोड है शायद से हम लोग अभी उधर जाएंगे अगर बारिश नहीं गिरा तो। आपको भी वीडियो दिखाता हूँ। रास्ते बहुत कम लोग आते हैं और बहुत पीसफुल है इधर, आजू बाजू सब ग्रीनरी है, और साइकिलिंग के लिए तो बेस्ट जगह है। तो गाइज़ ये जो है इधर जो बिल्डिंग दिख रहा है ये ग्लोबल हॉस्पिटल है, और ग्लोबल हॉस्पिटल से आगे थोड़ा लेफ्ट में और राइट में भी है, लेफ्ट में ये जो रास्ता है सेम पाइपलाइन रोड है, बट इधर दोनों साइड पे पाइपलाइन है, और बीच में पूरा सा ऐसा साइड में दोनों साइड पे झाड़ और बीच में एकदम ऐसा रास्ता है। सो ये भी रास्ता ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा ये भी, और ये रास्ता आई गेस बालकुम नाका के उधर निकलता है। इधर तो कार्स आते नहीं क्योंकि अलाउड नहीं कार्स को आने के लिए। इधर आपको बहुत लोग मिलेंगे वॉकिंग के लिए, जो है साइकिलिंग के लिए भी कुछ लोग रहते हैं। तो गाइस लकीली अभी बारिश नहीं गिरी इसलिए मैं वीडियो निकाल पा रहा हूँ। नहीं था नुकसान हो गई। तो हम लोग जो बालकुम का जो पाइपलाइन था उधर गए थे, उसके अपोजिट साइड पे जो पाइपलाइन था उधर से बाहर हम लोग इधर बाहर माझीवाड़ा के इधर निकले रुस्तम जी के उधर। पूरा रास्ता भाई बाजू में पूरा झाड़ वाड़ एकदम मस्त, और लोग भी कम ही थे उधर, कार्स अलाउड नहीं इधर, ऐसा ये लगा के रखा है, इधर ऐसा बैरिकेड लगा के रखा है, अलाउड नहीं है कार्स को आना इधर। बहुत मस्त था रोड, एकदम पीसफुल था। गाइज हम लोग वो रास्ते से बाहर आ गए और अभी हम लोग माझीवाड़ा के ट्रैफिक में फंस गए इधर। तो तनिष क्या लगा आज का राइड कैसा था? थाने का अपन ने नीचे का साइड पूरा एक्सप्लोर किया, बहुत सही था, बस काफी मतलब शब्दों में क्या एक्सप्रेस करे। तो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग, अगर आपको व्लॉग पसंद है तो नीचे कमेंट करके बताओ मुझे कैसा था, और मैं हर सैटरडे को वीडियो डालूंगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो बाय।